जब रो रही थी प्रकृति, तो मानव अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था। पेड़ों को काट कर ऊंची ऊंची इमारतें बना रहा था। देखो भगवान, जो तुम नहीं कर पाए वो मैं करके दिखा रहा हूँ। तेरी बनाई इस दुनिया को अपने तरीके से चला रहा हूँ। भगवान भी ऊपर बैठे मुस्कुरा रहे थे, इंसान के इस बचकाने खेल के मजे उठा रहे थे। परमात्मा ने इंसान को कई बार अपना संकेत भेज समझाना चाहा। सुनामी, जगह जगह बाढ़, भूकंप और उत्तराखंड की दुखद आपदा, और न जाने ऐसी कितनी ही घटनाओं से अपना रौद्र रूप दिखाया। ये इंसान इतना मूर्ख है कि कुछ समझ न पाया। पर जब इंसान ने अति कर दिखाई, तो भगवान ने इंसान को उसकी जगह दिखाई और एक छोटा सा वायरस भेज दुनिया में त्राही त्राही मचाई। जब एक एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही थी, तो हर पेड़ से बस दर्द की यही आवाज आ रही थी, हमें बचा लो, हमें बचा लो। अरे हम तो तुम्हारे ही रखवाले हैं, तुम्हें ऑक्सीजन देने वाले हैं। तो आज प्रकृति अपने आंसुओं का हिसाब ले रही है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की गुहार चारों ओर उठ रही है। अरे ओ मानव, अब तो संभल जा, परमात्मा से थोड़ा सा तो डर जा। जब वो एक छोटे से वायरस से पूरी दुनिया हिला सकता है, तो मिनट भर का काम है उसके लिए। वो दुनिया में प्रलय भी ला सकता है। कोई ऐसा काम मत करो जिससे प्रकृति का नुकसान हो। उसकी रक्षा करो, प्रभु का स्मरण करो और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ।